फिलोरा में स्वाद है, क्वालिटी है, सबसे बेस्ट क्वालिटी, इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त फिलोरा चाय एक नंबर लगती है। कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यहाँ पीने में बहुत स्वाद आता है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर बाकी। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। मुख्यमंत्री आवास और लाडी बहना के तहत ग्राम पंचायत बिहरा क्रमांक एक में आवेदन लिए जा रहे थे, जिसमें इस पंचायत का सरपंच अपने नजदीकियों को लाभान्वित करना चाहता था। नियम यह कहता है कि जिसने भी आवेदन दिया है उसे रिसीविंग तुरंत प्रदान की जानी चाहिए, लेकिन सरपंच ने तुरंत रिसीविंग प्रदान नहीं की, जिसके चलते बिहरा क्रमांक एक की महिलाओं में आक्रोश देखा गया। जब बिहरा में महिलाओं ने आक्रोश व्यक्त किया तो सरपंच रवि प्रताप सिंह ने महिलाओं के आक्रोश को दबाने के लिए गांव के कुछ ग्रामीणों एवं पंचों के विरुद्ध झूठी शिकायत थाने में दर्ज करा दी। सरपंच ने ग्रामीणों के अलावा कुछ पंचों के विरुद्ध भी शिकायत कर दी। जिन व्यक्तियों के विरुद्ध सरपंच ने FIR का आवेदन दिया था, उन व्यक्तियों ने कोटर थाना प्रभारी एवं जिला पुलिस अधीक्षक को एक आवेदन देकर निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। यहां पर यह बताना उल्लेखनीय है कि सरपंच ने जिन व्यक्तियों के विरुद्ध थाने में आवेदन दिया है उनके विरुद्ध शासकीय दस्तावेज फाड़ने, कंप्यूटर तोड़ने एवं इसी तरीके के अन्य आरोप भी लगाए हैं। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है, यदि शिकायत झूठी पाई गई तो सरपंच के विरुद्ध भी मामला दर्ज हो सकता है। इस संबंध में बिहरा क्रमांक एक के पंच विनोद तिवारी ने विशाल खबर से बातचीत की। सुनिए विनोद तिवारी ने विशाल खबर से क्या कुछ कहा। मैं ग्राम पंचायत बिहरा क्रमांक एक का पंच विनोद तिवारी। मेरे ग्राम पंचायत में शासन की लाडली बहना आवास योजना का फॉर्म भरा जा रहा था, जिसमें महिलाओं द्वारा फार्म भरने के टाइम पर उनको पावती नहीं दी गई। सचिव सरपंच द्वारा यह कहा गया कि पावती 5 तारीख के बाद दी जाएगी। चूँकि 5 तारीख तक फार्म भरने की लास्ट डेट थी, किसी महिलाओं को पावती नहीं दी गई। 5 तारीख को मनमानी तौर से सरपंच अपने निजी व्यक्ति के लोगों को लाभ दिलाने के हिसाब से नाम फिट करा दिया। बाकी करीब 6-7 से महिलाओं का नाम उस पोर्टल से, आवास योजना की पोर्टल से उनको दूर रखा गया। इस पर जब लोगों को पता चला कि मेरा नाम भी आवास योजना में नहीं जुड़ पाया है और उसकी नती पावती दी गई है, इसका आक्रोश सभी ग्रामीण महिलाओं को के पास था। उसी के तहत हम एक ग्राम पंचायत के पंच होने के नाते हमारे वार्ड की सारी महिलाएं हमारे पास आकर इकट्ठा होकर बोली कि हमें आप वो दिलवाइए, पावती दिलाइए। मैंने सचिव महोदय से संपर्क करना चाहा, सचिव महोदय द्वारा ये पता चला कि सोमवार को 9 तारीख को हम पावती देंगे, लेकिन किसी कारणवश सचिव वहां पे नहीं आ पाए। मैंने जब लेडीज सब इकट्ठा हो गई, उसी समय PCO श्री मुनीश्वर द्विवेदी जी को मैंने फ़ोन लगाकर उनसे यही बात पूछा कि सचिव महोदय आज यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं। उनके द्वारा ये बताया गया कि सचिव महोदय आज छुट्टी में, ना तो वहाँ रोजगार सहायक रजनीश साकेत कोई, न सरपंच कोई मौजूद नहीं थी। सिर्फ वहाँ पर रामचरण सिंह एक चौकीदार हाल में बैठा हुआ था। हम सभी लोग हाल में जा कर के बैठे, ये चर्चाएँ हुई। चर्चाओं में ये कहा गया कि हम लोगों को इस योजना से मनमानी तौर से करके और योजना से लाभ से वंचित किया गया, और इसी तारतम्य में 1:30 बजे के करीब ये पता चला कि आचार संहिता लग गया है। हम सभी लोग बाहर निकल के और इसका विरोध प्रदर्शन करते हुए बाहर निकल गए, और इसके बाद ये षड्यंत्र सरपंच द्वारा रचा गया। उसको विरोधाभास पसंद नहीं आया, वो विरोधी नहीं पसंद करता, इसके वजह से उसने अपने षड्यंत्र को छिपाने के लिए सुबह 10 बजे वो वीडियो बनाता है
कि यहाँ पे असामाजिक तत्वों द्वारा, कभी पंचों द्वारा, कभी व्यक्तिगत नाम के द्वारा मीडिया में ये सब जगह फैलाया गया कि मतलब इनके द्वारा तोड़फोड़ की गई, और तोड़फोड़ का अंजाम देने के लिए राम अपने चौकीदार अब उसी के उन्हीं के जाति का रामचरण सिंह वो थाना लेके गया गाड़ी में बैठा कर और नामजद रिपोर्ट कराया। लेकिन मैं पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ कि इस स्थिति पर, इस दबाव पर उस उन्होंने अभी तक कोई आपराधिक प्रकरण हमारे ऊपर दर्ज नहीं किया, चूँकि दबाव बहुत था, सोची समझी रणनीति थी। लेकिन पता नहीं क्या ऐसा था कि ये पता चल गया कि ये जो है एक रणनीति के तहत काम हो रहा है, तो अभी तक आपराधिक दर्ज नहीं हुआ। अब हम लोग भी उसकी TI साहब से जांच के लिए आवेदन दिए हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। हमारे साथ करीब 7-8 पंच हैं, सारी महिलाएं हैं, सभी लोगों का कहना है कि हम सभी लोग एक साथ में थे, हम लोगों का कोई विरोध का इस तरह से विरोधाभास नहीं था कि हम कोई मेज तोड़ें, कोई कंप्यूटर तोड़ें, कोई किसी को मारपीट करें। हम लोगों का ये था कि हम लोगों का पावती दिया जाए और हम लोगों के साथ गलत ऐसा क्यों। सरपंच ग्राम पंचायत बिहरा के रवि प्रताप सिंह पटेल जात से आते हैं, इनका बिहरा में बहुत बड़ा साम्राज्य है, अवैध उत्खनन जैसी योजनाओं में लिप्त हैं। इनकी दादागिरी के बारे में सब चारों तरफ सबको पता है। इनके कुछ गुर्गे हैं, जो गुर्गे इनके इशारे पर काम करते हैं, कभी भी किसी को मारपीट, कभी भी कोई अंजाम की घटनाएँ कर सकते हैं। मैंने SP साहब को भी आवेदन दिया हूं कि साहब मेरे इस प्रकरण पर सही निष्पक्ष जांच की जाए। जिसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है कि कुर्सी तोड़ना, कागज फैलाना, इस तरह की घट, उनको आपराधिक श्रेणी में रख के उनके ऊपर मुकदमा कायम किया जाए और आने वाले समय में इस तरह की घटना का पुनरावृत्ति ना हो।